सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहां पर दोस्तों Realme X3 एंड X3 सुपर जूम में UI 2.0 का न्यू बीटा अपडेट ऑफिशियली दोस्तों रोल आउट हो चुका है। और मैं दोस्तों आपको ऑलरेडी जो है ना बता चुका हूँ, Realme X3 एंड X3 सुपर जूम में जल्द ही हम लोगों को ना UI 2.0 बेस एक न्यू अपडेट ऑफिशियली मिलने वाला है, जो कि दोस्तों फाइनली आज हम लोगों को मिल चुका है। और आज दोस्तों हम लोग ना इसी न्यू अपडेट के बारे में बात करेंगे, जहां पर दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं इस न्यू अपडेट के साथ वर्जन और साइज क्या कुछ मिल जाता है और कौन कौन से चेंजेस एंड फीचर्स का सपोर्ट ऑफिशियली मिल चुका है। और फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों बात कर लेते हैं Realme X3 एंड X3 सुपर जूम में Realme UI 2.0 के न्यू बीटा अपडेट के साथ ऑफिशियल वर्जन दोस्तों इस बार C.05 का मिल जाता है। और इस अपडेट का दोस्तों एक्चुअल OTA साइज ना 548 MB का एग्जैक्टली देखने को मिल चुका है। और बता दूं ये वाला अपडेट दोस्तों ओनली फॉर UI 2.0 के बीटा यूजर्स को ही मिलने वाला है। तो जाओ दोस्तों सीधा सॉफ्टवेयर अपडेट वाले सेक्शन में, देन अगर आपको ये वाला अपडेट ऑलरेडी आपके डिवाइस में मिल चुका है ना, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। और रही बात दोस्तों ऑफिशियल फीचर के बारे में, तो बता दूं ऑफिशियल फीचर का जो ओरिजिनल स्क्रीनशॉट है वो दोस्तों आपके डिवाइस के स्क्रीन के सामने है। और फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों कैमरा सेक्शन में ना अलग अलग टाइप का जो प्रॉब्लम है वो दोस्तों सॉल्व हो चुका है। लाइक दोस्तों कैमरा मोड में डिले एंड जो जूमिंग का प्रॉब्लम था वो दोस्तों फाइनली सॉल्व हो चुका है। और बाद में दोस्तों नाइट मोड में जूमिंग का प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है। स्टेरिंग मोड में दोस्तों शटर का जो इशू था वो भी सॉल्व हो चुका है। और लास्ट में नाइट मोड में जो ग्रीनिश इशू था वो भी दोस्तों परमानेंट फिक्स हो चुका है। लास्ट अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों कैमरा सेक्शन में जो भी प्रॉब्लम देखने को मिला है वो दोस्तों इस बार ना ये वाले अपडेट के साथ वन बाय वन सॉल्व कर दिया है। और अब बाद में दोस्तों बता दूं होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में ना अनलॉकिंग विद फिंगरप्रिंट को लेके जो प्रॉब्लम देखने को मिल जा रहा था वो दोस्तों सॉल्व हो चुका है। और साथ में स्टेटस बार में इमरजेंसी कॉल इंटरफेस में जो स्टेटस बार का प्रॉब्लम था वो भी दोस्तों परमानेंट सॉल्व हो चुका है। और इसके अलावा दोस्तों और कुछ खास चेंजेस एंड फीचर्स का सपोर्ट नहीं मिलता है, बस गाइस इतना ही मिल जाता है जो कि दोस्तों मैं आपको वन बाय वन बता चुका हूं। और यहां पर दोस्तों फाइनली Realme X3 एंड X3 सुपर जूम में UI 2.0 का जो न्यू बीटा अपडेट है वो दोस्तों ऑफिशियली मिल चुका है। हालांकि दोस्तों काफी सारे यूजर्स को ना स्टिल अभी तक UI 2.0 का जो ट्रायल अपडेट है यानी कि दोस्तों जो अर्ली एक्सेस अपडेट है ना वो नहीं मिला है, तो उन्हें सभी यूजर्स को बता दूं आप लोग ना गाइज और थोड़ा सा वेट करो, यानी कि दोस्तों एंड ऑफ अप्रैल 2021 तक जो UI 2.0 का ओपन बीटा एप्लीकेशन है ना वो दोस्तों रिलीज हो जाएगा, जहां पर भैया आप लोग ना अप्लाई कर लेना डेफिनेटली दोस्तों आपके डिवाइस में, यानी कि अगर आपका फॉर्म सक्सेसफुली अप्रूव हो जाता है ना तो ऑब्वियसली दोस्तों आपके फोन में जो UI 2.0 का ओपन बीटा अपडेट है वो दोस्तों विदाउट एनी प्रॉब्लम मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों आप लोग ना मेरे साथ कनेक्ट रहो, जैसे ही मुझे कुछ पता चलता है ओपन बीटा एप्लीकेशन के बारे में वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूंगा। ओके, और फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। और जाते जाते दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिल जाता है। मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, ऑलवेज बी स्माइल।